नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश जाट, आपका मैथ्स टीचर MGCI के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका इंतज़ार कंप्लीट हुआ और आज से हम लोग क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो बगैर वक्त बर्बाद किए हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है सांख्यिकी। चलिए, तो सांख्यिकी में हम लोग संख्याओं के गुणों का अध्ययन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं, और संख्याओं के गुणों के अध्ययन के कारण ही हम सांख्यिकी में जितनी भी मापों का उपयोग करेंगे उन मापों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो भागों में विभाजित किया है। ओके, तो दो भागों में विभाजित किस आधार पर किया है, इसको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे। ओके, समझने की कोशिश करें। चलिए, हम लोग हमारा जो हाथ है, हमारे हाथ को पूरा सांख्यिकी का चैप्टर हम लोग माने। यदि मैं आपसे कहूं कि मेरे इस हाथ में बीच वाली उंगली कौन सी है, शायद आप कहेंगे सर ये वाली उंगली बीच वाली उंगली है। तो पूरे हाथ में से बीच वाली उंगली को पता करने के लिए हम जिन जिन तरीकों का, जिन जिन मापों का उपयोग करते हैं, उन मापों को हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहते हैं। नंबर वन। नंबर टू, अपकीर्णन की मापें क्या है? तो जैसे अभी जो मेरा हाथ है, ये हाथ आपको दिखाई दे रहा है, अब इस हाथ की पोजीशन आपको चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। अब मन में विचार आ रहा है कि सर बीच वाली उंगली तो जो पहले थी वही अभी है, फिर भी हाथ की पोजीशन चेंज क्यों हो रही है? उसका रीज़न है उंगलियों के बीच का जो गैप है, जो फैलाव है, वो बदल रहा है। धीरे धीरे ये फैलाव ज़्यादा हो रहा है, उंगलियों के बीच का गैप बढ़ रहा है। यदि उंगलियों के बीच का गैप धीरे धीरे कम हो जाएगा, हाथ का फैलाव कम हो जाएगा। इसका मतलब उंगलियों को यदि हम पद माने तो पदों के बीच का जो गैप है, उनका जो अंतर है, अर्थात जो फैलाव है, उसको पता करने की जो मापें हैं उनको हम अपकीर्णन की मापें कहेंगे। तो यदि कोई आपसे कहे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या काम करेगी, तो बोले दिए गए पदों में से बीच वाले पद को पता करने का काम करेगी। बोले अपकीर्णन की मापे क्या काम करेगी, बोले दिए गए पदों के बीच का जो गैप है, उनके बीच की दूरी है, कहने का मतलब उनके बीच का जो फैलाव है, उसको पता करने की मापें अपकीर्णन की मापें या डिस्पर्सन की मापें कहलाएगी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में कौन कौन सी मापें हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। इसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसी प्रकार आपको अपकीर्णन की मापें दिखाई दे रही होगी, उसमें सबसे पहली माप है माध्य विचलन, फिर मानक विचलन, फिर प्रसरण विस्तार, और विस्तार के और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसको हमने एक साथ लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग एक उदाहरण लेकर इनको समझना शुरू करें। सपोज यदि एक एग्जाम्पल हमारे सामने कोई रखते हैं कि ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा 2, 4, 5, 5, 6 और 8। यदि कोई कहे कि ये हमने आपको बहुत सारे वैल्यूज़ दी है, पद दिए हैं, आप इन दिए गए पदों में से बीच वाला पद पता करके बताओ, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि दिए गए पदों में से जब कोई बीच वाला पद पता करने का बोलेगा तो हमको किन मापों का उपयोग करना रहेगा। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यदि कोई दिए गए पदों में से बीच वाले पद को पता करने का बोलेगा तो निश्चित रूप से हमको केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का उपयोग करना पड़ेगा। ओके, यदि कोई कहे कि इन पदों का फैलाव कितना है, तो हमको यदि फैलाव पता करना है तो एक मोटे मोटे तौर पे अपन ने बोला फैलाव किसके ऊपर निर्भर करता है, पदों के बीच का गैप और छोटे और बड़े पद के बीच का गैप। इस फैलाव को पता करने की जो मापें हैं उन सभी मापों को हम लोगों ने कौन सी मापें कही है, अपकीर्णन की मापें या विक्षेपण की मापें। चलो, यदि ये बात हमको अच्छे से समझ में आई होगी तो एक टेक्निकल एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करना। जिन लोगों को समझ में आया वो बता देंगे, नहीं तो बाकी स्टूडेंट जैसे रटते हैं वैसे आप भी रट लेंगे। ओके, तो मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने उसमें क्या किया है कि सारे पद मैंने एक जैसे ले लिए, कोई भी छोटा और बड़ा नहीं लिया। अब यदि मैं आपसे पूछता हूँ मेरे पास 2, 2, 2, 2 सारे जो नंबर है वो 2 है, तो 2, 2, 2 के बीच में क्या आएगा, इसके मध्य में कौन सा मान आएगा? तो रटने वाले लोग तो फिर समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, अलग अलग सूत्र, अलग अलग मेथड लगाएंगे, लेकिन जो लॉजिकल चलते हैं वो तो समझ जाएंगे कि भाई 2, 2, 2 के बीच में ना तो 1 आ सकता है, न ही 3 आ सकता है। मतलब हम कोई सा भी तरीका क्यों ना अपना लें, 2, 2, 2 के बीच में तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा। इसका साफ मीनिंग है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की कोई सी भी माप हम इस एग्जाम्पल में लगा लें, सभी से जवाब एक जैसा आएगा और वो क्या होगा, 2।
तो मैं आपसे यदि पूछूं कि इस एग्जाम्पल का समांतर माध्य क्या होगा, आपका जवाब होना चाहिए दो। माध्य का क्या है, आपका जवाब होना चाहिए दो। बहुलक क्या है, आपका जवाब होना चाहिए दो। गुणोत्तर माध्य क्या है, आपका जवाब होना चाहिए दो। हरात्मक माध्य क्या, आपका जवाब होना चाहिए दो। बगैर सोचे हमको डायरेक्टली बोल देना है कि सर यदि आंकड़े छोटे बड़े होते तो अलग अलग माप के उपयोग के कारण आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता था, बट जब सब आंकड़े ही एक जैसे हैं तो हम किसी भी मेथड से क्यों ना पूछें दो 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 के बीच में क्या आएगा, निश्चित रूप से बगैर डाउट के जवाब उसका दो ही होगा। अच्छा ठीक, इसी प्रकार से एक और चीज़ हम देखें कि यहाँ पर सारे आंकड़े हमने बराबर लिए हैं तो इन आंकड़ों के बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंस दिखाई दे रहा शायद वो भी जीरो जीरो है। छोटा आंकड़ा और बड़ा आंकड़ा कुछ है नहीं तो वो डिफरेंस भी जीरो है। इसका मतलब हम अपकिरणन की कोई सी भी माप क्यों ना उपयोग कर लें, चाहे हम माध्य विचलन उपयोग करें, मानक विचलन उपयोग करें, प्रसरण उपयोग करें या विस्तार की कोई सी भी माप उपयोग करें, सभी से जवाब एक जैसा आएगा, वो क्या आएगा, जीरो। ओके, तो हमको एक चीज़ समझ में आ गई है कि दिए गए पदों में से बीच वाले पद को पता करने की जो मापें होती है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, और दिए गए पदों के बीच का अंतर अर्थात फैलाव करने की जो मापें हैं वो मापें कौन सी कहलाएगी, अपकिरणन या विक्षेपण की मापें। अब हम इन मापों को वन बाय वन एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समांतर माध्य पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे की मापों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि इन सभी मापों को पढ़ने के लिए सांख्यिकी का थोड़ा सा बेसिक हमको आना जरूरी है, तो इसके आगे हम लोग थोड़ा सा बेसिक लेते हैं फिर हम आगे की बात करेंगे। ओके, वो बेसिक क्या है उसको समझने की कोशिश करें। ये जो सभी मापे हैं जो हम पढ़ने वाले हैं उनको हम तीन वीडियो में पढ़ेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी में भी पढ़ेंगे, खंडीय श्रेणी में भी पढ़ेंगे, और साथ में उनको सतत या वर्गीकृत श्रेणी में भी पढ़ेंगे। तो ज़्यादा बेहतर है कि सबसे पहले हम फटाफट इनको समझ लें। व्यक्तिगत श्रेणी क्या है, यदि क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ पद देवे, ओनली टर्म्स देवे, तो आप समझ जाना कि वो जो क्वेश्चन है वो किसका है, व्यक्तिगत श्रेणी का है। यदि आपको वो पदों के साथ साथ आवृत्ति देवे तो आप समझ जाना क्वेश्चन किसका है, खंडीय श्रेणी का है। यदि आपको वो पद न देके और वर्ग देवे और वर्गों के साथ क्या देवे, आवृत्ति देवे, तो फिर आप समझ जाना क्वेश्चन क्या है, सतत या वर्गीकृत श्रेणी का है। इट मीन्स हम शॉर्ट में फिर रिवाइज करें कि यदि सिर्फ पद देवे तो क्वेश्चन व्यक्तिगत श्रेणी का है, यदि वो पद और आवृत्ति दोनों देवे तो क्वेश्चन खंडीय श्रेणी का है, यदि पद न देके वर्ग देवे और वर्ग के साथ आवृत्ति देवे तो निश्चित रूप से हमारा जो क्वेश्चन है वो सतत या वर्गीकृत श्रेणी का है। इट मीन्स हम सारी मापें इन तीनों ही श्रेणियों में पढ़ेंगे। यहाँ एक और चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान देना है, यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि आप पदों की संख्या गिनो, जब आप गिनोगे तो वो आएगा 9। अब इसको मैंने व्यक्तिगत को खंडित में बदला कैसे है, जैसे सिंपल सा फार्मूला मैंने यूज़ किया है कि यहाँ पर यदि 5 दो बार आ रहा मुझे दो बार लिखना पड़ रहा व्यक्तिगत में, कोई आंकड़ा 3 बार आ रहा 3 बार लिखना पड़ रहा, कोई यदि 2 बार आ रहा है तो मुझे 2 जगह लिखना पड़ रहा है। ये मैं कब तक कर सकता हूँ, जब आंकड़े 3 बार या 4 बार या 10 बार आए, लेकिन कोई आंकड़े 100 बार आएंगे तो 100 जगह लिखना मुश्किल पड़ेगा, इसीलिए हमने खंडीय श्रेणी का इस्तेमाल करना मुनासिब समझा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 2 कितनी बार आया, 1 बार, तो मैंने 2 की आवृत्ति 1 लिख दी। 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो मैंने 5 की आवृत्ति 2 लिख दी। 7 कितनी बार आया, 3 बार, तो मैंने 7 की आवृत्ति 3 लिख दी। 11 कितनी बार आया, 2 बार, 11 की आवृत्ति 2 लिख दी। 15 कितनी बार आया, 1 बार, 15 की आवृत्ति 1। तो यहाँ एक और चीज़ समझने वाली है कि आवृत्ति क्या है, आवृत्ति वास्तव में पदों की संख्या है। यदि आप यहाँ इन आवृत्तियों को काउंट करेंगे, जैसे 1 और 2 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, तो आवृत्तियों का योग जिसको हम समेशन से दर्शाते हैं वो कितना आया, 9। वास्तव में 9 ही क्या है, एन है, मतलब पदों की संख्या है। तो यहाँ हमको समझना है कि पदों की संख्या और आवृत्तियों का योग दोनों एक ही चीज़ है। कुछ लोग यहाँ गलती करते हैं, यदि हम उनसे पूछें बताओ यहाँ पदों की संख्या कितनी है, वो डायरेक्ट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, जो कि कैसा तरीका है, गलत तरीका है। ओके, अब हम लोग चूँकि इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ चुके हैं, अब हम लोग हमारी पहली माप सांख्यिकी की शुरू करने की कोशिश करते हैं, जो कि है समांतर माध्य। ओके, करें स्टार्ट आगे। चलिए, तो अब हम लोग हमारी पहली माप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हमने समांतर माध्य पहले ही समझ लिया है। पहले से हम लोग डिस्कस करके आए हैं कि हर माप को हम कितनी श्रेणियों में पढ़ेंगे, 3 श्रेणियों में। तो पहले हम समांतर माध्य किस में पढ़ेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी में,
चलिए व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य कैसे अपने को पता करना है, इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पांच व्यक्तियों की ऊंचाई हमको यहाँ दी गई है, जिसको हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, उसको हम कैसे पता करेंगे उसको समझें। चलिए तो यहाँ पाँच, 5.5, 6, 4 और 4.5, ये क्या है, ये पांच दोस्तों की हाइट है जो हमको फीट में दी गई है। कह रहा है कि आप इनका औसत पता कीजिए। तो इस श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो फार्मूला ये है, एक्स बार बराबर समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन जहाँ भी आता है इसका मतलब हम उसको योग अपने आप समझ लेते हैं। तो समेशन एक्स, एक्स मतलब पद, समेशन मतलब योग, मतलब पदों का योग। जितने भी पद हैं उन सभी पदों का हम योग कर देंगे और योग करके उसमें एन मतलब पदों की संख्या का भाग देंगे। चलिए हम इस काम को करके देखते हैं। तो यहाँ जितने भी पद हैं हम उन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5 + 5.5 + 6 + 4 + 4.5 और भाग किससे देंगे, पदों की संख्या से, जिसको हम काउंट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 5। चलिए सभी पदों को हमने जोड़ा, ऐड किया, हमको 25 मिलेगा। नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी मिलेगी, 5। 25 को किससे कैंसिल करेंगे, 5। कितनी बार कैंसिल होगा, 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 बार कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इस एग्जाम्पल का जो आंसर आएगा, समांतर माध्य आएगा, वो कितना आएगा, 5। चलो दोस्तों, तो आपको व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य किस तरह से ज्ञात करते हैं आपको समझ में आया होगा कि सर बड़ा सिंपल सा तरीका है, जितने भी पद वो देगा, जितने भी टर्म्स देगा, हम सभी को जोड़ देंगे और पदों को काउंट करके पदों की संख्या गिनकर उसका भाग दे देंगे। तो ये हमारा व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने का काम कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे और अगली श्रेणी में समांतर माध्य किस तरह से ज्ञात करेंगे उसको देखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है। अब क्वेश्चन क्या है, खंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना। तो यहाँ भी हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इस बात को समझते हैं। निम्नलिखित वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ पर हम पहले ही समझ चुके हैं कि हमको दो चीज़ें देंगे, एक तो पद इट मीन्स एक्स और एक आवृत्ति इट मीन्स एफ। यहाँ कैसे समांतर माध्य ज्ञात करना है उसको हम लोग अब समझते हैं। चलिए सबसे पहले हमको एक टेबल बनाना है जिसमें सारे पदों को अर्थात एक्स को लिख देना है, सारी आवृत्तियों को अर्थात एफ को लिख देना है। अब हम सब लोग जानते हैं कि एफ मतलब क्या है, पदों की संख्या। अब यहाँ पे क्या है कि हम इन पदों को जैसे पहले वाली श्रेणी में डायरेक्ट जोड़ा था वैसे नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ 6 हमको एक बार दिखाई दे रहा, परंतु 6 एक बार है नहीं, 6 कितनी बार है, 5 बार। इसीलिए हमको 6 का गुणा पहले किस में करना पड़ेगा, 5 में। तो 6 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 30। इसी तरह सभी पदों का गुणा हम उनके सामने लिखी हुई आवृत्तियों से करते जाएंगे तो यहाँ पर हमको पद और आवृत्ति का गुणनफल मिलेगा। चलो करें स्टार्ट। तो 6 का गुणा 5 में करेंगे 30 आएगा, 7 गुणा 8 56 आएगा, 8 गुणा 9 72 आएगा, 9 गुणा 12 108 आएगा, 10 गुणा 6 60 आएगा, 11 गुणा 6 66 आएगा, 12 गुणा 4 48 आएगा। और जिस तरह हम लोग पहले वाले श्रेणी में व्यक्तिगत श्रेणी में किसको जोड़ते थे, x को, उसके स्थान पर x को न जोड़ के अब हम किसको जोड़ेंगे, fx को। तो अब जब हम इन सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब जब हम इनका समेशन करेंगे, जब हमको समेशन fx मिलेगा वह आएगा 440। अब fx को जोड़ लिया कितना आया, 440। अब हम किसको जोड़ेंगे, एफ को, क्योंकि वास्तव में हमको पदों की संख्या प्राप्त करना है और यहाँ पदों की संख्या किसके रूप में दी है, आवृत्ति के रूप में। चलिए तो हम सभी एफ को जोड़ते हैं, जब हम सभी एफ को जोड़ेंगे तो हमको समेशन एफ के रूप में क्या मिलेगा, 50। इस तरह से हमारे सामने एक फार्मूला आएगा, वो फार्मूला होगा एक्स बार बराबर समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ एक्स मतलब पद और आवृत्ति के गुणनफल से जो हमको यहाँ पर मिला है उसका योग है, जो कितना आया, 440। समेशन एफ मतलब जब हमने आवृत्तियों को जोड़ा तो जो हमको टोटल मिला वो टोटल कितना आया, 50। वास्तव में ये ही पदों की संख्या भी है, तो हम यूँ भी कह सकते हैं ये ऊपर पदों का योग है और नीचे पदों की संख्या है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 440 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 50 से। सबसे पहले हमने 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, ऊपर क्या बचा, 44, नीचे क्या बचा, 5। अगेन हम 44 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, हमको मिलेगा 8.8। देन एक्स बार हमको क्या मिला, 8.8। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया किस श्रेणी का, हमने एग्जाम्पल लिया खंडित श्रेणी में। हमने समझा खंडित श्रेणी में हमको क्या क्या देगा, एक्स और एफ देगा।
क्या हम यहाँ x को डायरेक्ट जोड़ पाएंगे? जी नहीं, हम x का गुणा f में करेंगे, fx निकालेंगे, फिर जो fx आएगा उसको जोड़ेंगे, हमको समेसन fx मिलेगा, फिर हम f को जोड़ेंगे समेसन f मिलेगा, फिर समेसन fx में समेसन f का भाग देंगे, तब जाके हमको फाइनली क्या मिलेगा, x बार। ओके, तो ये हमने खंडीय श्रेणी में किस तरह से समांतर माध्य ज्ञात करना है दोस्तों वो सीखा। अब हम सतत श्रेणी में समांतर माध्य किस तरह से ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। चलिए एक उदाहरण से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमको दिया है निम्न सारणी में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। हम जानते हैं चूंकि श्रेणी सतत है तो पद की जगह अब हमको क्या दिए जाएंगे, वर्ग, आवृत्ति तो यहाँ भी दी जाएगी। मतलब जो पहले श्रेणी हमने पढ़ी है खंडित, और अभी हम जो सतत पढ़ रहे हैं उसमें आवृत्ति का डिफरेंस नहीं, उसमें डिफरेंस पद की जगह क्या आ गए हैं, वर्ग। समझते हैं अपन इस स्थिति में किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम इन वर्गों को प्रॉपर इस तरह से अरेंज कर लेंगे, वर्ग बोलें क्लास बोलें। वर्ग मतलब इसमें दो सीमाएं होती है, निम्न सीमा और उच्च सीमा, जिसको L1 L2 लोअर लिमिट अपर लिमिट भी बोलते हैं। तो सभी वर्गों को हमने इस तरह से लिख दिया, और वर्गों को लिखने के बाद में फिर अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमको समझना है वो ये है कि सतत श्रेणी में भी समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम कोई नया और अलग फार्मूला उपयोग नहीं करेंगे। हम जो फार्मूला खंडित श्रेणी में उपयोग किया था उसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। आपको याद होगा हमने वहाँ क्या उपयोग किया था, समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। तो वही फार्मूला हम सतत में भी उपयोग करने वाले हैं। इसका सीधा सा मतलब हमारे दिमाग में होगा कि सर फिर तो हम सतत श्रेणी को किसी न किसी तरह से खंडित श्रेणी बना लेंगे। जब हम सतत को खंडित बना लेंगे तो निश्चित रूप से हम फिर खंडित श्रेणी के सूत्र का उपयोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही समझे दोस्तों, हमको यही काम करना है, हमको सतत श्रेणी को खंडित श्रेणी बनाना है। आओ अब हम समझें कि सतत को खंडित बनाना मतलब छोटा सा काम करना है, वर्गों को किस में बदलना है, पद में। कैसे बदलना है समझते हैं। ये जो वर्ग है, वर्गों की दो सीमाएं हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 से 10। 0 और 10 के मध्य में जो मान आता है, जैसे 0 और 10 के मध्य में क्या आएगा, 5, वो इन वर्गों के मध्यमान कहलाएंगे, और मध्यमान ही हमारे लिए पद है। बड़ा सिंपल हो गया है। तो हम सभी वर्गों के बीच वाले मध्य वाले मान पता कर लेंगे, उन मध्यमानों को यहाँ लिख देंगे, और वो मध्यमान हमारे लिए पद की तरह कार्य करने लग जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें फिर। तो 0 से 10 के मध्य का मान क्या है, 5, 10 से 20 के बीच में 15, 20 से 30 के बीच में 25, 30 से 40 के बीच में 35, 40 से 50 के बीच में 45। तो इस तरह हम सभी वर्गों के मध्यमान पता कर लेंगे, और ये जो मध्यमान है हमारे लिए क्या हो गया, पद हो गए। मतलब हम ये समझें कि इस चीज़ को यदि हम भूल जाएं तो ये सवाल अब हमारे लिए पुराने सवाल जैसा, खंडित श्रेणी के सवाल जैसा हो गया, जिसको हल करना हम सबको पता है। चलो फिर फुर्ती से इस काम को कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग अब सभी मध्यमान जो हमारे लिए पद है, इन पदों का गुणा हम किन से करेंगे, उनके सामने लिखी हुई उनकी आवृत्तियों से। जब हम पद मतलब x का गुणा f से करेंगे तो हमको इन दोनों का गुणनफल मतलब fx मिल जाएगा, है ना। करें स्टार्ट। तो 5 का गुणा 10 से करोगे कितना आएगा, 50। 15 का गुणा 12 से करोगे 180। 25 का गुणा 20 से करेंगे 500। 35 का गुणा 18 से करेंगे 630। 45 का गुणा 10 से करेंगे कितना आ जाएगा, 450। इस तरह से इस लाइन में एफ और एक्स का गुणनफल आ जाएगा। जब ये गुणनफल आ जाएगा फिर हम इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। जब इनको जोड़ेंगे टोटल करेंगे तो इनका जोड़ आएगा 1810, और वो एफ एक्स का जोड़ होगा, जोड़ मतलब उनका समेशन हो जाएगा। फिर हम आवृत्ति को जोड़ लेंगे, जब आवृत्तियों को जोड़ेंगे क्या आएगा, 70, मतलब वो आवृत्तियों का जोड़, इट मीन्स वो समेशन एफ हो जाएगा। जब हमको एफ एक्स का योग मिल गया, एफ का योग मिल गया, बड़ी आसानी के साथ में हम इनका समांतर माध्य भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम ये जो हमारा फार्मूला है, जो सूत्र है, उसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, मान रख देंगे। तो एफ एक्स का योग कितना आया, 1810। एफ का योग कितना आया, 70। 1810 को किससे डिवाइड करेंगे, 70 से, 70 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 181। नीचे क्या बचेगा, 7। फिर अगेन डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 25.8। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 25.8। अब आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ हमने फार्मूला लिख रखा है मध्यमान का। वास्तव में मध्यमान तो हम ऐसे ही अपने अनुभव से पता कर लेते हैं, सूत्र की जरूरत नहीं है, बट कभी एग्जाम में पूछ लिया तो सूत्र भी मैंने लिख दिया। मध्यमान यहाँ पर x है, कन्फ्यूज ना होना आप लोग। तो मध्यमान ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, L1 प्लस L2 बटे दो, मतलब किसी भी वर्ग की
हम लोग क्या ले लें, जैसे ये वर्ग हमको दिखाई दे रहा 40 से 50, इन दोनों को जोड़ना है, जैसे 40 और 50 को जोड़ा कितना आया 90, 90 आया, उसको किससे डिवाइड किया, दो से, दो से भाग दे दिया, तो 90 का आधा क्या हो गया 45, बड़ा सिंपल है। तो ये फार्मूला है जो इसलिए लिखा है कि कभी एग्जाम में आपसे पूछे। तो इस तरह से हमने तीनों ही श्रेणियों में समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा। अब समांतर माध्य के कुछ और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समांतर माध्य का एक क्वेश्चन किस तरह से आता है, जैसे अभी हम लोगों को पहले वाले सवालों में समांतर माध्य पूछा था, लेकिन अब हमको समांतर माध्य दे देंगे और कोई एक पद गायब करके पूछ लेंगे, जिसे इसको हम अज्ञात मान ज्ञात करना, डिटर्मिनेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू, इसीलिए हमने इसको हेडिंग लिया है। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 2, 4, 6, x, 5, 1, 4, 2 का समांतर माध्य 5 हो, तब x का मान पता करो, है ना। हमको कुछ नहीं करना है, हमको तो समांतर माध्य हम पढ़ के आए, कितनी श्रेणियों में पढ़ के आए, 3 श्रेणियों में। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहाँ पे सिर्फ पद दिए हैं? बिल्कुल सिर्फ पद दिए हैं। सिर्फ पद दिए मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है किस श्रेणी का है, व्यक्तिगत श्रेणी का है, अर्थात व्यक्तिगत श्रेणी का जो फार्मूला है हमको पता है। क्या करना है, बहुत आसान है, जितने भी पद है, जितने भी एक्स है, सबको जोड़ के इनसे डिवाइड कर देना है। चलिए हम सभी पदों को जोड़ देते हैं, प्लस प्लस करके लिख देते हैं, पदों की संख्या जो कि काउंट करने पर 8 आएगी वो हमने नीचे लिख दी। अच्छा, यहाँ एक पद गायब कर दिया, उसको एक्स लिख दिया, तो उसके बदले में हमको समांतर माध्य दे भी तो दिया है, तो यहाँ हम एक्स बार की जगह क्या लिख दें, 5 लिख दें। चलिए इस तरह से हमने सारे मान रख दिए, अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो जो 8 इधर राइट हैंड साइड में नीचे लिखा है, हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का गुणा किसमें कर देंगे, 5 में। तो क्या यहाँ हम लोग आगे बढ़ के 8 × 5 लिख देंगे। इसी तरह से x को छोड़कर बाकी सभी जो नंबर से उनको हम जोड़ लेंगे, 2 को 4 में 6 में 5 1 4 2, सभी को जब टोटल करेंगे वो टोटल कितना आएगा, 24। और x को अलग से लिख देंगे दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि 24 क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, x क्या है, वेरिएबल, हिंदी में बोले तो ये क्या है, चर और अचर में से क्या है, आप सब लोगों को शायद पता होगा, निश्चित रूप से ये अचर है और ये क्या है, चर। चर और अचर कभी आपस में जुड़ते नहीं, ध्यान रखना। चलिए तो अब ये जो 24 इधर प्लस है उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो जो इधर प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 40 में से 24 माइनस होगा, कितना आएगा, 16। तो इस तरह से हम यदि कोई पद या आवृत्ति गायब करे तो भी हम उस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दिखाया, वो एग्जांपल किसका था, व्यक्तिगत श्रेणी का। अब यदि वो खंडी श्रेणी का एग्जाम्पल देवे तो खंडी श्रेणी की मेथड लगा देना, सतत का देवे तो सतत की लगा देना। इट मीन्स हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमको तो बस इतना याद रखना है कि 3 श्रेणियां होती है, व्यक्तिगत, खंडित और सतत, वो मेथड हमको पता करना है। चलिए अब हम समांतर माध्य पर मूल बिंदु और पैमाने का प्रभाव किस तरह से पड़ता है उसको देखेंगे। सांख्यिकी में हम मूल बिंदु बोलते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, जनरल मैथ्स में हम लोग उसको जोड़ घटाव बोलते हैं, और पैमाने को हम लोग गुणा और भाग बोलते हैं। यदि इंग्लिश की बात करें तो मूल बिंदु इट मीन्स शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, एंड पैमाना इट मीन्स चेंज ऑफ स्केल। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, और मूल बिंदु और पैमाने का प्रभाव समांतर माध्य पे किस तरह से आता है उसको भी हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें। चलिए हमको एक क्वेश्चन दिया है, एक समूह का समांतर माध्य उसने दिया है 10, मतलब एक क्वेश्चन, एक समूह, एक ग्रुप है, उसका समांतर माध्य उन्होंने पता कर लिया था, वो 10 आया था। और बाद में कोई व्यक्ति आता और बोलता है कि आपने जिस सवाल का समांतर माध्य ज्ञात किया था और 10 आया था, अब आप एक काम कीजिए, उस सवाल में जितने भी आपके पास पद है सभी पदों में आप 2 जोड़ दीजिए और फिर दोबारा उसी सवाल का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें एक टेक्निक पता होना चाहिए कि यदि आपके पास किसी सवाल का समांतर माध्य पहले से है और सभी पदों में वो 2 जोड़ने का बोले, आपको कुछ नहीं करना, आपको दिए गए समांतर माध्य में सीधे सीधे 2 जोड़ देना। तो जो पहले 10 था, नए सवाल का समांतर माध्य 10 + 2 = क्या आ जाएगा, 12। जैसा हमने जोड़ में किया वैसा ही घटाव, वैसा ही गुणा और वैसा ही भाग, ठीक है। तो इस तरह से यदि वो कहे कि अब आप एक काम कीजिए, आप उस सवाल के सभी पदों में 2 घटा दीजिए और फिर बताइए उसका समांतर माध्य कितना आएगा। तो पहले उसका समांतर माध्य कितना था, 10 था। कब था 10 पहले, लिखा है हमने, जब हमने उसमें जोड़ घटाओ गुणा भाग कुछ भी नहीं किया था तब पहले 10 था, और बाद में हमने सभी पदों में 2 घटा दिया, तो जो आंसर पहले 10 था वो 10 - 2 = क्या हो जाएगा, 8। चलिए ठीक इसी प्रकार से सभी पदों में 2 गुणा कर देंगे तो उसका समांतर माध्य जो पहले 10 था वो हो जाएगा 10 × 2 = 20। यदि सभी पदों में 2 का भाग कर देंगे तो जो समांतर माध्य पहले 10 था वो 2 का भाग करने के कारण 10/2 = क्या हो जाएगा, 5।
चलिए दोस्तों, तो इस तरह से हमने समांतर माध्यम में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जिनको हम क्रेश कोर्स में कवर कर सकते हैं उनको आज हमने कंप्लीट किया। आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार करें, आप वीडियो को पॉज कर करके आप उनके नोट्स भी बना सकते हैं। यदि आप नोट्स बनाएंगे, बार बार पढ़ेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अगले वीडियो में हम मीडियन और मॉड मतलब माध्यिका और बहुलक को देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। ओके, बाय बाय दोस्तों।